वंस आप OLL यानी लास्ट लेयर को ओरिएंट कर लें, तब आपने इस लेयर को पूरा परम्यूट करना है। इसमें भी बंच ऑफ केसेस आते हैं। अब प्रेजेंट केस में आप देख सकते हैं कि ये हमने ज्वाइन कर रखा था जब OLL कंप्लीट किया था, ये भी ज्वाइन ऑलरेडी हो गया था। हम ये देखते हैं कि ये ग्रीन ऑरेंज है और ये ब्लू रेड है, बट यहाँ पर ऑरेंज ग्रीन है और यहाँ ब्लू रेड है, मतलब इन दोनों ने डायगनली स्वैप होना है। इसने इसके साथ स्वैप होना है, इसको हम राइट पे ले आएंगे एंड एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे फॉर डायगनल स्वैप। ये सारे कॉर्नर्स अपनी सही जगह पर लग चुके हैं। एक केस आपके पास ये आता है कि इन दोनों ने आपस में स्वैप होना होता है, डायगनली नहीं, ये दो डायगनली ओके लगे हुए हैं, स्वैप होना है, इनको राइट साइड पे कर लो। बिल्कुल सेम एल्गोरिदम है, बस थोड़ा सा फर्क है। एंड देन एफ, ये एल्गोरिदम का पार्ट है, एफ प्राइम किया फिर एफ किया, कोई इसका इशू नहीं है। अब आप देख सकते हैं सारे कॉर्नर्स अपनी सही पोजीशन पर अलाइन हो गए। सिर्फ ये दो केसेस थे कॉर्नर्स के। अब शुरू होता है एज साइकिल, इन एजेस को सही आपने परम्यूट करना है। एक केस आपके पास ऐसा आता है कि यहाँ एक एज आपका सही बना होता है, इसके हिसाब से ये राइट ये लेफ्ट, अब इसने अगर उधर जाना है या इस पीस ने उधर आना है। अब प्रेजेंट केस में इस रेड ने इधर आना है और ये पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा, तो इसके लिए एल्गोरिदम है एंड दैट्स इट। एक ऐसा भी केस आता है कि यहाँ पर ये सॉल्व एंड इस ऑरेंज ने यानी इस पीस ने इधर जाना होगा, ना कि इसने उधर आना होगा। अब इस पर हम राइट साइड से अप्लाई करेंगे एंड दैट्स इट। अब एक ऐसा भी केस आएगा जहाँ पर कोई एज नहीं बना होगा और अपोजिट इन एजेस ने जाना होगा, फॉर एग्जाम्पल इस ब्लू ने इधर आना है एंड इस ग्रीन ने उधर जाना है, लाइक वाइज रेड ने इधर एंड ऑरेंज ने इधर। आप इसे नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑरेंज ने इधर जाना है तो राइट साइड वाला एल्गोरिदम जो अभी मैंने प्रीवियसली बताया है, एंड ब्लू ने इधर जाना है तो राइट साइड वाला, या लेफ्ट साइड वाला ग्रीन ने उधर आना है वो कर सकते हैं, लेकिन सिंपली आप मिडल लेयर वाला एल्गोरिदम भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मिडल लेयर से क्या मुराद है, ये है मिडल लेयर, यानी अगर आप फिंगर देखें, फिंगर ट्रिक के ज़रिए आपने इसे मूव करना है, ये नहीं करना आपने इसे ऐसे करना है, ये आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। अब मिडल लेयर का कॉन्सेप्ट मैंने जो रखा हुआ है फॉर जनरल लेफ्ट लेयर के हिसाब से, अब मैं अगर कहूँगा एम प्राइम, एम प्राइम का मतलब होगा एल प्राइम के जैसा, आपकी मर्ज़ी आप राइट साइड से रख लें तो एल्गोरिदम्स इन्वर्ट हो जाएंगे। जो मैं आपको एल्गोरिदम्स दिखा रहा हूँ वो लेफ्ट लेयर के अकॉर्डिंगली, हाँ जो M2 है वो चाहे जिस डायरेक्शन में भी आप करें सेम रहना है, और सिमिलरली M नॉर्मल लेफ्ट यानी L की तरह होगा। अभी अपोजिट है तो इसके लिए एल्गोरिदम आप जहाँ भी अप्लाई कर दें आपकी मर्जी है, M2 U प्राइम, M2 U2, M2 U प्राइम, M2। आपके पास एक ऐसा भी केस आएगा कि ये एडजेसेंटली फ्लिप होने हैं या स्वैप होने हैं, ब्लू ने इधर, रेड ने इधर, ग्रीन ने इधर एंड ऑरेंज ने इधर, लाइक वाइज स्क्वायर वन में जैसे होता है, तो इसके लिए सिंपली जहाँ भी आप अप्लाई कर दें एल्गोरिदम एम प्राइम यू प्राइम एम टू यू प्राइम एम टू यू प्राइम एम प्राइम यू टू एंड एम टू, जिससे आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा।